सीधे लिए चलते हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लाइफ लाइन कॉन्क्लेव में, जिसमें हेल्थ को लेकर चर्चा चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुख्य अतिथि हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सेवा कर रहे हैं और आज यहां पर पहुंचने वाले हैं। सुनते क्या हो रहा है। सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आपको जैसी जानकारी है, स्वास्थ्य विभाग का काम उन्होंने दिया है, तो मध्य प्रदेश में जनता की सेवा कर रहा हूं। सर, जब आप मंत्री बने तो जश्न से ज्यादा चिंता थी कोरोना की। कोरोना चल रहा था पूरे देश भर में, कई तरह की समस्याएं थी और ऐसे में आपको स्वास्थ्य विभाग मिला, कितनी बड़ी चुनौती थी वहां पर आपके सामने कि स्वास्थ्य विभाग को भी संभालना है और लोगों के स्वास्थ्य को भी संभालना है। कोरोना के दौर में किस चुनौती को थी और आपने कैसे उससे निपटा? ये बात बिल्कुल सही है कि जब मेरे को स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी मिली तभी कोरोना का संकट हम लोगों के ऊपर आया, लेकिन हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की लीडरशिप में जो मध्य प्रदेश के अंदर काम किया वो आपके और समस्त जनता के सामने भी है। तो मध्य प्रदेश में एक जनभागीदारी का मॉडल बनाया गया, जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी, ब्लॉकों में ब्लॉक क्राइसिस कमेटी, विलेज में विलेज क्राइसिस कमेटी बनाकर एक जनभागीदारी का जो मॉडल बनाया, और जो वल्लभ भवन में हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे उनको भी जिलों में तैनात किया गया, जो मंत्रिमंडल के साथी थे जनप्रतिनिधि थे उनको साथ में जोड़ा गया, जिलों में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अन्य दलों के भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, धर्मगुरुओं को, सबको जोड़कर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मैनेजमेंट किया मध्य प्रदेश के अंदर, आप सब जानते हैं कि जब फर्स्ट लहर सेकंड लहर में जिस तरीके की परेशानी हम लोगों को उठाना पड़ी, ऑक्सीजन की जब आवश्यकता थी, दूसरे प्रदेशों से जब ऑक्सीजन हम लोग लेकर आते थे टैंकरों से, तब हम लोगों को जो चिंता रहती थी रात रात दिन दिन भर, हमारे मुख्यमंत्री तक टैंकर ड्राइवर से तक बात करते थे कि हमारा टैंकर कब पहुंचा, जबलपुर कब पहुंचेगा, जबलपुर के अगर दो अस्पताल को ऑक्सीजन की आवश्यकता है वहां देगा, उसके बाद दमोह कब पहुंचेगा, फिर पन्ना कब पहुंचेगा, और खाली टैंकरों को हवाई मार्ग के द्वारा पहुंचाकर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति, चाहे हम दवाइयों की बात करें, ये महामारी ऐसी महामारी दुनिया के अंदर आई थी कि जब सारी दुनिया इस तरफ देख रही थी जिसकी ना कोई दवाई थी ना इसकी कोई वैक्सीन थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनके कुशल नेतृत्व में शुरुआत के दौर में ही आप सबको जैसा मालूम है कि 21 दिन का लॉकडाउन उन्होंने किया और स्वदेशी वैक्सीन कम समय के अंदर भारत में बनाकर भारत के वैज्ञानिकों के साथ सिर्फ ना भारतवासियों के लिए फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन उपलब्ध कराई, उसके साथ साथ दुनिया के 100 देशों के लिए भी भारत की वैक्सीन वहां के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जो प्रभावी थी। उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग पूरे सुरक्षित भी हैं और पूरे निडरता के साथ में सब जगह घूम रहे। नहीं तो आपने देखा उस समय किस तरीके से लोगों सहमे हुए थे, एक दूसरे से लोग मिल नहीं पा रहे थे, अस्पतालों में लोग जा रहे थे। मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे सभी जो मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नगर निगम के, पुलिस के, सारे लोगों ने मिलकर लोगों को जिस तरीके से काम और सेवा की उसी का परिणाम है। पीपीपी किट पहनकर पेशेंटों के साथ उनका इलाज करना, जिस समय एक दूसरे से मिलना, परिवार का व्यक्ति एक दूसरे से मिल नहीं सकता था, अगर वो मिलता तो वो खुद पॉजिटिव हो जाता था, तो पॉजिटिव व्यक्ति खुद अपने परिवार वाले से कहता था कि आपको मुझसे दूर रहना है, लेकिन उस समय जो सेवाएं दी और मध्य प्रदेश का जो मैनेजमेंट हुआ, मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सब ने मिलकर प्रदेशवासियों ने कोरोना का जो संकट के दौर से निपटते हुए एक अच्छा मैनेजमेंट हुआ जिसकी सराहना पूरे भारत में मध्य प्रदेश की हुई। जब कोरोना का दौर था और
वैक्सीन का निर्माण चल रहा था तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी, भारत ने वैक्सीन भी दी, मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का काम बड़ी तेजी से हुआ, नई नई उपलब्धियां हासिल की, नए नए रिकॉर्ड बने। लेकिन उसी बीच में कई बार ऐसे भी आने लगा कि वैक्सीन को लेके कुछ नेगेटिविटी भी फैलती थी। सरकार ने और आपके विभाग ने उस नकारात्मकता से कैसे निपटा, क्या तरीका अपनाया गया कि वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता फैले? नहीं देखिए, बिल्कुल ये आपने जो कहा ये बात सही है, कुछ लोगों में उस समय भय था और कुछ लोग उसमें कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे कि आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ये है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने मैनेजमेंट किया और जनता को उसमें जोड़कर जो सत्यता थी वो जनता के बीच में लगाया। आपको पता होगा तो उस समय जब वैक्सीन लगाने की आवश्यकता थी नागरिकों के लिए और जो हमारे अमले ने उस समय ना तो बरसात देखी ना कोई और समस्या को देखते हुए, इवन आपने देखा होगा कई वीडियो मध्य प्रदेश सोशल मीडिया पे जारी हुए थे जिसमें हमारी स्टाफ नर्स, हमारी एएनएम आधे आधे पानी में पैर तक निकल कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर उनको वैक्सीन लगाई। और हमारे स्टाफ ने कहीं कहीं तो आपने देखा होगा कि झाबुआ जैसे खेतों में जब मजदूर काम करते थे वहां पर भी जाकर कई जगह पर जहां हमारे मजदूर साथी एकत्रित होते थे कई जगह पर, तो मैं स्वयं वहां पर गया, हम लोगों ने पूरा उसको लोगों के बीच में लेके गए और जब वैक्सीन लगी उसका प्रभावी, ये बात सही है कि कुछ लोगों ने उस समय मोदी वैक्सीन कहकर उसको कोशिश की थी नकारने की, लेकिन जो सत्यता है वो तो जनता के सामने आती है और बाद में सब लोगों ने स्वीकारा उसको और सबने लगवाई। जिन्होंने विरोध किया उन्होंने भी बाद में लगाई, जो लोग पहले विरोध कर रहे थे बाद में उन्होंने भी सबने लगवाई। और आज मैं कह सकता हूँ, आज ही मैं रायसेन जिले के एक गाँव में था, मैं एक प्रोग्राम में था, मैंने पूछा सब लोगों से, बातचीत की, सब लोगों को लगी नहीं लगी तो सारे लोगों में एक प्रसन्नता थी। आपने बताया कि समाज सेवा का एक मन था और ऊपर से आप डॉक्टर, तो एक समाज सेवा की भावना मन में और फिर डॉक्टर, क्या यही वजह है कि आप इतने सक्रिय रहते हैं कि किसी भी वक्त वीडियो कॉल से किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी भी अधिकारी को आप फोन लगा देते हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं? सुधार में कितना असर इसका आप देखते हैं? ये बात सही है, जैसे ही मैं स्वास्थ्य मंत्री बना मैंने ये तय किया कि प्रत्येक सोमवार को मैं दो जिला अस्पतालों में वहाँ जो पेशेंट हमारे एडमिट थे रहते हैं उन सबसे बातचीत करते, वहाँ जो डॉक्टर पदस्थ हैं उनसे बातचीत करके, जो पेशेंट्स हैं पेशेंट्स के जो अटेंडेंट हैं उनसे बातचीत करके, वहाँ पर फीडबैक उनसे लिया, वहाँ की अगर कोई समस्या है तो उसको निराकरण के लिए क्या दिक्कतें पेशेंट्स को आ रही है, उनके अटेंडेंस को आ रही है, क्या और अस्पताल में कहीं सुधार की आवश्यकता है, वहाँ के सिविल सर्जन, वहाँ के CMHO, वहाँ के जो RMO जो पोस्ट रहते हैं उन सब चीज से बात करके मैंने लगातार हर सोमवार को ये फीडबैक लेने की कोशिश की और उससे कई जगह में हम लोगों ने सुधार भी कई किए। जो हम लोगों को फीडबैक वहाँ से मिलता था उसको हम लोगों ने सुधार के रूप में काम किया, वो पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मैंने बात की। और तो सीधी तस्वीरें न्यूज 18 के लाइफलाइन कॉन्क्लेव से आप देख रहे थे, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी उनसे बातचीत हो रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।